विलादत बसादत केनवान से कुछ बातें बयान कर रहे हैं जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि मौलाए कायनत मौलमुाहिदीन यासुबुद्दीन हज़रत अली इब्न अबी तलिबल वस्सलाम की विलादत बसादत तेरह रजबालमरजब सन तीस आमुलफील को मक् मुकर्रमा खान काबा के अंदर हुई और ये विलादत बसहादत इतनी बाबरकत विलादत है कि इससे पहले तारीख़ इंसानियत में खाना काबा में किसी की विलादत नहीं हुई और ना इस विलादत के बाद किसी की विलादत नहीं हुई लिहाजा ये तमाम बातें आपके सामने और आपकी सुनी हुई बातें हैं आज एक बहुत ही अजीम हदीस जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई और इसको अनवार में अल्लामा मजलिसी ने तहरीर फरमाया वो हदीस ये है कि जनाब जाबिर इबन अंसारी, जो अल्लाह के रसूल के एक जलील सहाबी थे और आपकी निगाह रिसालत में बड़ी अज़मत और बड़ी अहमियत थी इन्होंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम से सवाल किया मौलाए कायनत हज़रत अम की विलादत बसहादत के बारे में और सवाल इस तरीक़े से किया कि अल्लाह के रसूल ने इनके सवाल के जवाब में इशाद फरमाया या जाबिर अजबन ऐ जाबिर आपने अजब सवाल किया है हज़रत सलाम मेरे बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल इंसान है बरिया हैं और वो और हम एक ही नूर के बने हुए हैं अल्लाह के रसूल ने जनाब जाबिर को ये जवाब दिया ए जाबिर आपने अगर सवाल किया है तो ये बहुत ही बाबरकत बाआज़मत बहुत ही बेहतरीन फ़र्जंद हैं कि जिनके विलादत बसादत के बारे में आपने सवाल किया और सवाल के बारे में ये फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया खलकहु मिन कन्नूरी बेशक अल्लाह ताला ने उनको मेरे नूर से खलक़ फरमाया नूर रिसालत से वकिलाना मिन नूरिन वाहिद और हम दोनों एक ही नूर के दो हिस्से हैं यानी असल में बेसिकली हम दोनों एक ही नूर से हैं और परवर आलम ने पैदा करने वाले ने हमें ज़मीन व आसमान चाँदो सूरज कायनात से पहले खलक़ फरमा दिया था इस कायनात में कोई चीज़ नहीं थी सिर्फ़ उसकी ज़ात थी और उसने अपनी ज़ात के नूर से अपनी अजमत के नूर से हमें खलक़ फरमाया और उसके बाद हम उसकी बारगाह में या उसकी वहदत में या उसकी बारगाह में हम तस्वीर तहलील अंजाम दे रहे थे और इस तरह से परवरदिगार आलम ने हमारे सदक़े में कायनात को खलक़ फरमाया और हमें एक के बाद दूसरे नबी की अम्बिया कराम की पेशानी में मुंतकिल करता रहा यानी जनाब आदम से उनके बाद और ये सिलसिला आखिर तक चलता रहा और एक वक्त वो भी आया कि जब ये नूर नूर इलाहीजमत इलाही का नूर दो हिस्सों में तकसीम हो गया एक हिस्से को मेरे वालद बुज़ुर्गवार जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में मुंतकिल कर दिया और दूसरे हिस्से को जनाब इमरान यानी जनाब अबू तालबलम की पेशानी में मुंतकिल कर दिया और इस तरह से जब ये दो हिस्से एक नूर के दो हिस्से बने तो इस तरह से एक नूर से मेरा वजूद दुनिया में आया और एक नूर से हज़रतलीसम का नूर इस दुनिया में आया आपकी विलादत बात के मुतालिक ये बात बयान की जाती है कि आपकी वालद गिरामी के जिनका नाम है फ़ातिमा बिनते असद इन्होंने खाना काबा की तरफ रुजू किया खाना काबा की तरफ चली और वहाँ जाने के बाद खाना काबा की दीवार से मस हुई और दीवार से टेक लगाकर इन्होंने ये दुआ करना शुरू की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुन बेका पालने वाले बारे इलाहा मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ व बे जा आ मिन इंद का मिन रसुलन कुतुबिन और हर वो चीज़ जो तेरी बारगाह से नाजिल हुई है मैं उन तमाम चीज़ों पर ईमान रखती हूँ तेरी आसमानी किताबों पर ईमान रखती हूँ तेरे भेजे हुए रसूलों पर ईमान रखती हूँ और पहले अपने ईमान का हवाला दिया और ईमान का हवाला देने के बाद फिर बारगाह खुदाबंदी में दुआ की खुदाया मेरी इस परेशानी को यानी ये विलादत को आसान फरमा अभी आपकी वालद ग्रामी जनाब फ़ातिमा बिनते असद दुआ कर रही थी कि यकायक खाना काबा की दीवार शक हुई यानी फट गई और शहज़ादी यानी फ़ातिमा बिनते असद काबा के अंदर तशरीफ़ ले आए जहाँ मौलाए कायनात की विलादत बसहादत हुई और ये दीवार जैसे फटी थी ऐसे ही जनाब फ़ातिमा बिनते असद के दाखिल होने के बाद ये दीवार आपस में मिल गई और तीन दिन तक मौलाए कायनात की विलादत के बाद माँ और बेटा खाना खुदा में मेहमान रहे खुदावंद आलम ने मेहमान नवाजी की और माँ ने अपने बच्चे का नाम रखा हैदर और उसी दरमियान जब आप खाना खुदा में जिंदगी या तीन दिन गुजार रही थी तो जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने आवाज़ सुनी समी है अलिय फ़ाह अली फ़ातिमा इनका नाम अली रख दीजिए यकीनन ये अली है अली यानी बलंद बुज़ुर्ग तर अली यानी सबसे अफजल, अफजल को कहते हैं और बलंद को कहते हैं अली तो ये कहा जा सकता है कि वालद ग्रामी ने नाम रखा हैदर और ख़ुदा आलम ने नाम रखा अली और फिर ये इरशाद भी फरमाया कि मैंने यह नाम अपने आला नाम से निकाला है या लिया है यानी खुदा का नाम भी अली है और बंदे का नाम भी अली रखा उसी नाम से इनका इनका नूर भी खुदा की ज़ात के नूर से अलग हुआ है और इनका नाम भी खुदा के नाम से लिया गया है तीन दिन के बाद शहज़ादी जनाब फ़ातिमा बिनते असद बैतुल्ला से ख़ान काबा से जब बाहर आई तो अल्लाह के रसूल इस्तबाल के लिए आए और जनाब फ़ातिमा बिनते असद की आगोश में वो बेयदेहा अमीरुल मोमिनीन हात, उनके हाथों उनके हाथों में अमीरुल सलाम थे और जैसे ही जनाब फ़ातिमा बिनते असद बाहर आई तो अल्लाह के रसूल ने इस्तकबाल फरमाया और मौलाए कायनात को अपनी आगोश में लिया और जैसे ही मौलाए कायनात ने खुशबूए रिसालत को महसूस किया तो मौलाए कायनात ने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद मौलाए कायनात ने आसमानी किताबों की तिलावत करना शुरू कर दी और आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी अजीम विलादत बसादत हैं कि मौलाए कायनात ने सिर्फ़ कुरान मजीद की तिलावत नहीं फरमाई थी बल्कि सारी आसमानी किताबों की तिलावत फरमाई थी तौरात तो ज़बूर इंजील और कुरान मजीद और कुरान मजीद की तिलावत शुरू से नहीं की थी बल्कि कुरान मजीद की तिलावत की थी कुरान मजीद के सूर मोमिनून से सरा मोमिनून कुरान मजीद का सूरा है जिसमें मोमिनीन के लिए बशारत है खुशखबरी है गुड न्यूज़ है उस उस सूरह मुबारका की मौलाए कायनात ने तिलावत करना शुरू की और इरसाद फरमायाद अफलाहलमिन भी तहक़ीक यकीनन मोमिन कामयाब हो गए और जब आगोश रिसालत में मौलाए कायनात इस सूर मुबारक की तिलावत करके मोमिन को खुशखबरी और बशारत सुना रहे थे कि मोमिन कामयाब हो गए तो अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात हज़रत अलीसलाम से फ़रमाया वह बेकायुफ लहमिन एली मोमिन अगर कामयाब हुए हैं तो आपकी वजह से आपके तुफैल में आपके सदक़े में मोमिन कामयाब हो गए हैं यानी मोमिन की कामयाबी का दार मदार अमरमिन हज़रत सलाम की विलायत या आपकी पैरवी में है यानी बहुत अजीम जात है और इस जात की पैरवी मोमिन अगर करते हैं तो मोमिन कामयाबों कामरान है और जब मौलाए कायनात हज़रत व सलाम की विलादत बात हो गई तो अल्लाह के रसोल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला सलाम ने यह भी इरसाद फरमाया तो बामन व अताऊ खुशखबरी कामयाबी है उसके लिए जो इनसे मोहब्बत करता है और जो इनकी पैरवी करता है यानी जो इनसे मोहब्बत करेगा और इनकी पैरवी करेगा उनके लिए कामयाबी ही कामयाबी है तो नाजरीन कराम मौला कायनात हज़रत अलीसलात वाम के जिन्हें परवर दिगार आलम ने यह अजमत इनायत फरमाई कि इनसे पहले पूरी तारीख़ इंसानियत में किसी की भी विलादत बसहादत अल्लाह के घर खाना काबा में नहीं हुई ये सिर्फ़ तगम, तगमा ये सिर्फ़ मौला कायन का इम्तियाज़ है के मौल कायनात ने खाना खुदा में ज़िंदगी पाई यानी आप जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपका पहला क़दम अल्लाह के घर में था खाना काबा में और आप जब इस दुनिया से जाने लगे तो आपका आखिरी कदम भी अल्लाह के घर में है यानी मस्जिद कोफ़ा में आपकी विलादत खाना काबा में आपकी शहादत मस्जिद कोफ़ा में आपके खाना काबा और मस्जिद कोफ़ा के दरमियान की पाकिज़ा ज़िंदगी को सीरत मोमिनीन हज़रत आली इबन अबी तालिब कहते हैं यानी कितनी पाकिज़ा ज़िंदगी है एक अल्लाह के घर से सफ़र शुरू हुआ और दूसरे अल्लाह के घर पर सफ़र मुकम्मल हो गया तो लिहाजा इन दोनों चीज़ों को मिला कर बाहसानी ये कहा जा सकता है कि मौलाए कायनात हज़रत आली सलात वाम की ज़िंदगी की शुरुआत भी अल्लाह के घर से है और ज़िंदगी का खत्म यानी ज़िंदगी मुकम्मल भी अल्लाह के घर मस्जिद कोफा पे हो रही है लिहाजा मौलाए कायनात हज़रत सलाम के फॉलोवर्स और मानने वालों को चाहिए कि वो इन दोनों बातों का ख़्याल करके अपना राबता दोनों से मजबूत रखे खाना खुदा से भी बहुत मजबूत रखे खाना खुदा यानी काबा से भी बहुत मजबूत रिश्ता रखना चाहिए और मस्जिदों से भी बहुत मजबूत रिश्ता रखना चाहिए मस्जिदों से अलग नहीं रहना चाहिए मस्जिदें हमारी पहचान हैं और मस्जिदें हमारी कामयाबी की ज़मानत है व आखिरदुल्ल रबालमीन वालकम्म वर्का